आज हम आप सभी के लिए एनआईटी सूरत के एवरी बीटेक ब्रांच के कंप्लीट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स लाए हैं, यानी कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन से ब्रांच में कितने बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं और उन बच्चों को किस टाइप के सैलरी पैकेजेस मिले हुए हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स वॉचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक वीडियो के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। SVNIT या फिर जिसे हम NIT सूरत के नाम से भी जानते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट में वन ऑफ द फेवरेट इंस्टीट्यूशन में से एक रहा है। आपको लगभग यहाँ पे सभी टाइप की स्टूडेंट फ्रेंडली एमिनिटीज मिल जाती है और इसी के साथ यहाँ के प्लेसमेंट भी काफी जबरदस्त होते हुए इस साल हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ के प्लेसमेंट की बात करें गाइस हम, तो यहाँ पे टोटल इस साल 181 नेशनल मल्टीनेशनल रिक्रूटर्स आए थे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए और इन कंपनियों ने गाइस बीटेक के 812 स्टूडेंट में से 572 स्टूडेंट्स को हायर कर लिया है, यानी कि लगभग 70% का प्लेसमेंट रेशियो हमें नजर आता है। हाईएस्ट सैलरी पैकेज 52.71 लाख का था। ओवरऑल अगर हम मीडियम पैकेज की बात करें तो 8.5 एंड एवरेज पैकेज की बात करें हम सभी डिपार्टमेंट को मिला के तो 10.41, यानी कि लगभग 10.5 लाख का एवरेज पैकेज था। तो चलिए वन बाय वन हम ब्रांचेस के भी प्लेसमेंट देखते हैं। तो हम सबसे पहले बीटेक से स्टार्ट करेंगे गाइज। तो बीटेक में हमारे पास है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 127 स्टूडेंट में से 108 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 85% का हमें प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का नजर आ रहा है। हाईएस्ट सैलरी इसी ब्रांच का था, जो कि 52.71 लाख पर एनम का था, यानी कि लगभग 53 लाख पर एनम का था। एवरेज पैकेज की बात करें इस ब्रांच की तो लगभग 17 लाख का एवरेज पैकेज एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में स्टूडेंट्स को 5.28 लाख पर एनम था। तो काफी बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रहे हैं इस ब्रांच के। तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 109 स्टूडेंट में से 85 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 78% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है, 36.42 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी एंड 10 लाख का एवरेज एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में स्टूडेंट्स को 5.39 लाख पर एनम का रहा है। अब नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास और एक एवरग्रीन ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 205 स्टूडेंट में से 152 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 74% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है, हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 20 लाख पर एनम का रहा है, एवरेज 8.87 यानी कि लगभग 9 लाख का रहा है एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में स्टूडेंट्स को 5 लाख पर एनम का था। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 111 स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ दैट 81 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 73% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है, हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का भी लगभग 20 लाख पर एनम के आसपास था, एवरेज सैलरी 10 लाख पर एनम के आसपास एंड लोएस्ट सैलरी इस ब्रांच का भी 5 लाख पर एनम था। इसके बाद है गाइस हमारे पास यहां का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये ब्रांच, जिसमें 159 स्टूडेंट में से 94 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, सिर्फ 59% का प्लेसमेंट रेशियो इस ब्रांच ने इस साल दिखाया है, हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 34 लाख पर एनम का रहा है, एवरेज सैलरी 12.66 लाख पर एनम एंड लोएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 3.30 लाख पर एनम था। यानी कि अगर हम पूरे डिपार्टमेंट में बात करें बीटेक में, तो सबसे लोएस्ट सैलरी इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। इसके बाद है गाइस हमारे पास यहाँ का लास्ट इंजीनियरिंग का ब्रांच, जो है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 101 स्टूडेंट में से 52 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 52% का प्लेसमेंट रेशियो हमें यहाँ पे मिल रहा है, बट हाईएस्ट सैलरी सिविल में स्टूडेंट्स को 16 लाख पर एनम मिला है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात होती है गाइस। यहाँ पे एवरेज सैलरी भी लगभग 7 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट सैलरी सिविल का 3.60 लाख पर एनम का था। तो ऐसे गाइस यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग डिविजन्स के टोटल आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता दिए है। आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए फ्रेशर्स गेट को आप हमेशा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन भी जरूर दबा के रखें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।